ये सब देखते हुए, प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए जब ये बातें कही जा रही हैं, क्या बहुत क्लियर कट लेड डाउन ब्लैक एंड व्हाइट में लिखी हुई चीजें हैं क्या जिसको एडहेयर करना चाहिए, या कई जगहों पर ऐसा भी है कि कौन व्यक्ति है जिसको उसकी अनुपालना करनी है उस पर भी निर्भर करता है कि वो कितना फॉलो होगा या नहीं होगा? देखिए, ये तो ट्रेडिशंस चली आ रही हैं, इसका कोई लिखित नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ना किसी कानून में लिखा हुआ है, ना किसी सर्कुलर में लिखा हुआ है। ट्रेडिशन रही है कि जब भी प्राइम मिनिस्टर स्टेट्स में जाते हैं, चीफ मिनिस्टर उनको रिसीव भी करते हैं, चीफ मिनिस्टर उनके साथ बाय एंड लार्ज रहते हैं, और प्राइम मिनिस्टर जब स्टेट में जाते हैं तो चीफ मिनिस्टर से पूछ के ही जाते हैं। तो ये पुरानी ट्रेडिशन है, अब इस ट्रेडिशन को अगर कोई ब्रेक करना चाहे तो उसको कोई रोक नहीं सकता। तो सर, ये तो फिर दोनों बातें हो गई। आपने ये जो बात बताई कि सर चीफ मिनिस्टर से पहले बात कर ली जाती है फिर प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, तो यहाँ तो ये कहा गया कि मुझे अचानक पता चला, और दूसरी बात जो आप ये कह रहे हैं कि अकंपनी करते हैं फिर चीफ मिनिस्टर उनको, उनके साथ रहते हैं उनके दौरे के दौरान, या फिर दूसरी तरफ, मतलब ये तो दोनों ही तरफ से बातें हो रही हैं सर फिर। हाँ, तो दोनों तरफ से अगर ऐसी बात है, अब हमें तो कोई फैक्ट्स पता नहीं है, पर अगर फैक्ट्स ये मान लिए जाएं कि प्राइम मिनिस्टर बिना उनको बताए चले गए, तो ये भी गलत है, क्योंकि बताना तो एक नॉर्मल कंट्री है, इसमें कोई ये नहीं है कि कोई इज्जत का सवाल है या प्रेस्टीज का सवाल है, एक ही कंट्री है आपका, कंट्री में चीफ मिनिस्टर की भी उसी कंट्री का, हम भी उसी कंट्री के, इलेक्शन हुई 5 साल के बाद इलेक्शन फिर होंगी, उसका तो कोई एक वो नहीं है, एक पार्टी आई दूसरी पार्टी आई। इंडिया में बहुत कम टाइम ऐसा रहा है कि एक ही पार्टी पूरी हर स्टेट में रही है और सेंटर में भी रही है, बहुत कम टाइम ऐसा था, ज़्यादातर ऐसा रहा है कि या SBD की सरकारें थी या सेंटर में ये सरकार थी, डिफरेंट, ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं पहले कभी, पहले कम से कम इशू नहीं बनता था ये कि आप गए और आपको चीफ मिनिस्टर ने मिलने नहीं आया या बाइकॉट कर दिया। आफ्टर ऑल आपको जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए हैं तो कुछ देने ही गए हैं ना, अपराजिता जी भी जॉइंट सेक्रेटरी रही हैं, ब्यूरोक्रेट रही हैं और अब इसके बाद सांसद हैं, जरा उनसे भी ये बात समझ लेता हूँ। अपराजिता जी, क्या इसमें वाकई क्या ये इसकी गुंजाइश थी क्या समझ पैदा ना होने की कि पहले से बताया नहीं गया? आप कह रही हैं एजेंडा पहले ही भेज दिया गया था। बिल्कुल, देखिए ऐसा ही होता है जब प्रधानमंत्री जी किसी भी राज्य को जाते हैं। मैं सांसद हूँ भुवनेश्वर की और मेरे पास भी एजेंडा आया क्योंकि उन्हें यहाँ उतरना था, भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर उतरना था, तो मिनट टू मिनट प्रोग्राम आया था। तो मुख्यमंत्री के दफ्तर में तो पहले जाता है, सांसद के पास बाद में आएगा। पश्चिम बंगाल में भी गया। मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ, मुझे 30 सेकंड का की मोहलत दें। आप बीजेपी पर किसी भी तरह का दोषारोपण न करें, हमने हमेशा से ऑलिव ब्रांच बढ़ाया, हम हमेशा से शांति से रहना चाहते हैं, उनको साथ लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये ममता बनर्जी जी की बात नहीं है, ये हजारों लोगों की बात है जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं, जो भारतीय हैं। और मैं आपको कह दूं इस बात को लेकर, अगर आपकी बात कंप्लीट हो गई हो अपराजिता जी, एक मिनट दिनेश जी मुझे जरा सा बोलने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत दुखित है इस बात को लेकर, लेकिन एक हाई लेवल कमेटी बैठी आदरणीय अमित शाह जी की अध्यक्षता में, गृह मंत्री हैं और उन्होंने अम्फान के लिए, ये कल की बात है मैं आपको आज बता रही हूँ, अम्फान के लिए पश्चिम बंगाल को 2,707 करोड़ रुपए सैंक्शन किए, जबकि उड़ीसा को 128 करोड़ रुपए सैंक्शन किए, कल की बात है। ठीक है, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।